देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की शोक सभा में शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ ने कहा कि पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई और ऑपरेशन पर पूरी रात नजर रखी, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि दो एयर स्ट्राइकों में भी उनकी अहम भूमिका थी। राजनाथ ने ये भी कहा कि उरी में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम दो या तीन लोगों को बुलाया था। पर्रिकर जी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। 17 मार्च को पर्रिकर का निधन हो गया था। हालांकि एनडीए की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। पर्रिकर के कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया था। इसके बाद सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यहां आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। वो याद है कि उरी की जो घटना हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उरी की घटना के बाद बुलाया था, तो हम ही दो तीन लोगों को बुलाया था, उसमें वो भी मौजूद थे, दो तीन अफसर थे। बेचैनी, आक्रोश मनोहर पर्रिकर जी के चेहरे पर देखने को मिलता था। स्वाभाविक रूप से कोई भी फेथ रीडर उसे सहज रूप से पढ़ सकता था। और आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी, उस एयर स्ट्राइक में भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने किया था। रात भर बैठकर पूरा ऑपरेशन का जो सिलसिला चल रहा था उसको देखते रहे। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, दो दो एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने निभाई। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।